चाची के घर परमानेंट 3-4 दिन के लिए। गिरनाबाद पापा शूट कर रहा है ऐसा यार, आराम से जाना बाबा। सही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है डेविड लाइफ और गाइस आप सभी लोगों को स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को दिल पे हाथ रख के जय श्री राम और जय श्री हनुमान गाइस। और अभी पापा आ चुके अपने काम खत्म करके और पी रहे हैं क्या, लिमका। गर्मी का दवा है, ठंडी ठंडी कूल कूल लिमका। लिमका ही है, हिंदी में तो लिमका ही बोलता है। अरे इंग्लिश में भी लिमका, मुझे पता नहीं गाइस, ये कंफ्यूजन पापा ने क्वेश्चन उठा दिया है। इंग्लिश में लिमका और हिंदी में क्या कहते हैं मुझे कोई बता ना, मुझे तो पता ही नहीं था। इन्हें चलो अच्छा क्वेश्चन उठाया, तो इसका आंसर दे रहा नीचे कमेंट बॉक्स में, हिंदी में क्या कहते हैं। इंग्लिश में तो लिमका ही कहते हैं मेरे ख्याल से, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे तो खुद नहीं पता। हमने तो नींबू पानी, नहीं नींबू पानी तो अलग होता है, ये तो इसमें लिमका ही बोलता है हिंदी में शायद। इंग्लिश में कहते हैं लिमका, ये तो ये हम दोनों, ये हम पापा में कन्फ्यूज है तो ये हमें क्लियर करना। और अभी काफ़ी दिन से मैं और शूट वगैरह ठीक से कर नहीं पा रहा था, तो आज मेरे को फाइनल टाइम मिला शूट करने का, तो मेरे कुछ पड़ोसी वगैरह उन लोगों से मिलवा देता आप लोगों से, बहुत दिन से मैं मिल नहीं पा रहा इन लोगों से। ये देखो कनिका भूषण इन द हाउस, करती कंगी घर के बाहर कंगी नहीं, मैं घर के अंदर कंगे नहीं करती। घर के अंदर करना, नीचे बाल उड़ जाते हैं सारे, बाल उड़ के घर में जाते हैं, ये तो घर में जाते हैं। और यहाँ पे है हमारा छोटा सा कार्तिक जो कि हाथ उठा के जा रहा है पापा से मिलने के लिए, फादर इन द हाउस। क्या वेलकम किया है पैरों पे गिर के, पापा बोल रहा था, जस्ट पापा ही बोला। गिर पड़ा लो अंडा, और कितने आराम से बैठी थी, उठ गई देख के कैमरा ना हट गया। आनी टेढ़ी गिरी हुई थी, सीधी हो गई एकदम से, स्माइल भी आ गई देखो ऐसे हट गया। चल बढ़िया, कब जाएंगे हम लोग, वो माम चाची के घर। कौन चाची? अरे हॉस्पिटल वाले चाची घर कब जाएंगे हम लोग, आज ही गए थे। परमानेंट कब जाएंगे, 3-4 दिन के लिए। चाची के घर परमानेंट 3-4 दिन के लिए। अच्छा वैसे तेरे टाइम पर रहे थे हम लोग वैसे, तो यहाँ पे सब लोग शाम के टाइम बैठे हुए एकदम, उसका पोज देखो बढ़िया वाला लगता है मुझे एकदम मस्त, इससे सीखा हूँ भाई मैं ये वाला पोज, मैं घर में रहता हूँ अकेले, मैं भी ऐसी पोज बना लेता हूँ। क्यों ऐसे बैठने से लोग पीछे हो जाते हैं, तभी सोचो इतना पीछे क्यों चल रहा हूँ मैं। तो गाइस सर अभी मैं आ चुका हूँ अपने बचपन की जगह पे, जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। यहाँ पे हम लोग कंचे वगैरह खेलते थे, लट्टू वगैरह चलाते थे, और ये गवर्नमेंट स्कूल है हमारे निठारी सेक्टर 31 का। और ये स्कूल पूछो मत यार, मेरी बचपन की यादें, वो आंगनबाड़ी है जहाँ पर मैंने बचपन में सबसे पहले पढ़ाई करी थी, उसके बाद सरदार पटेल में गया था, फिर दोबारा मैं आया था इस स्कूल में, और काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ इस स्कूल में। बाप रे बाप, सब कुछ चेंज हो चुका है, झूले नहीं थे, झूले लग गए भाई वो क्लासेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फिर वहाँ से है, तो फिर आगे अगर मैम से बात करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आया हूँ किसी काम से, और वो काम ये है कि मुझे अपना टीसी का ना स्कूल में एक बार बोल के तो करवा लेते हैं, अगर हो जाता है तो कुछ। A few moments later. तो ये प्लेस देख रहे हो गाइस, यहाँ पे मैंने पढ़ाई करी है, और इस पूरे ग्राउंड पे हम लोगों ने, अब तो पूरे पेड़ पौधे हो गए काफ़ी सारे, पूरे ग्राउंड पे हम लोग पहले फुटबॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह लोग यहाँ पे खेलते रहते थे। अब क्या है ना कि पूरा पेड़ वगैरह कितना बढ़िया लग रहा है, अब तो बैठने में ही मज़ा आ रहा है, थोड़ा फुटबॉल का वो भी लगा हुआ है कोने पे। पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया अपना स्कूल पूरा का पूरा, और ये अभी भी याद है मुझे, यहाँ पे हम लोग वाटर वगैरह पीने के लिए आते थे, अभी भी वाटर का स्थान है पूरा, और पीछे टॉयलेट वगैरह था, और वो टॉयलेट का हिस्सा ही है अभी भी। 4 hours later ये भी ब्रेक है, वो भी ब्रेक है, दोनों ब्रेक है। गिरनाबाद पापा शूट कर रहा है ऐसा यार, आराम से जाना बाबा। कैसे कांप रहे हैं क्या, पहले बार टच किया हूँ, छोड़ छोड़ छोड़, चलो ना पीछे ही हूँ, चलो चलो। बस बस
आसान ये रेस स्कूटर है बाबा, आसान नहीं है चलाना इसको। हाँ वक्ता है वो। अभी मेरे ना इस लेटर में वो मतलब वो नहीं है, हैबिट नहीं बना, हैबिट नहीं बना। पापा स्कूटी चला रहे थे, आपको मैं स्कूटी यार सिखाऊंगा यार, सुबह सुबह चला करो जल्दी उठ के सिखा दूंगा, एक दिन में सीख जाओगे आप तो, एक्सपर्ट हो। मेरे सिर में ये घुमाना मत, घुमाना मत, ऐसे करने के चक्कर में भूल जाता हूँ, घुमाओ तो गिर जाओगे नहीं तो। चलो ठीक है, गाड़ी आया 60 में। गाइस देखो मेरे पापा को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले पापा ने स्कूटी चलाई थी, उसके बाद लग रहा है पापा का दिमाग घूम के चलाते चलाते। पापा लेने गए थे अभी दूध, दूध की जगह पापा ले आए दही, और दूध वही छोड़ा है दुकान में। है पापा ऐसा जादू क्यों करते हो आप? लाओ दो। भूलने की बीमारी कब से हो गया आपका पापा? अरे क्या थोड़ी देर में कितना का देता है? 34 से 35 रुपये कुछ। हाँ 34 का देता है। देख लो क्या हो गया बाबा, ठीक है सब कुछ? 34 का देता है, थोड़ी देर में दूध ले आना। सब ठीक है? ठीक है ठीक है। अभी रिएक्शन नहीं देगा आप लोगों ने, गाइस रिएक्शन देखते ना आपको मजा आ जाता जो उन्होंने रिएक्शन दिए थे। रिएक्शन का पावर तो तू ही भरेगा भाई साहब, बैटरी में चार्ज करने वाला तो तुम ही हो। चलते मैं भी आता हूँ, पापा तो भूल गए। One hour later. तो क्या सर, ये मैं खाना खा रहा था और खाना खाते खाते ना मेरे ना अचानक से नज़र पड़ी बेड के नीचे, तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा बिल्ली क्या अपने घर में? पर हमारे घर में बिल्ली नहीं, बिल्ली की पूरी फैमिली है देखो। ओह माय गॉड कितने क्यूट है इतने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से, देखो गाइस देख सकते हो बोरे कोने कोने में, देखो वो बैठे अपने माँ के ऊपर चढ़ रही है, देखो दो बच्चे हैं। हाँ दो बच्चे हैं, मैं भी आज ही देखा है इसको अच्छे लग रहे हैं। रो कोई बात नहीं, खाने वाने के बाद दूध दे दो ना थोड़ा सा, तो दूध है पता चल रहा था, दूध रख दो ना थोड़ा सा, दूध है ना। इधर एक चीज दिखाता हूँ, हाँ नीचे तुझे एक चीज दिखाता हूँ, बैठ नहीं पाएगी ना लेकिन तू नीचे देख, मेरे घर में ना बिल्ली की पूरी फैमिली है, छोटी बिल्ली है इतने से बच्चे हैं उसके, देख खाना खाते खाते मैंने देखा ये देख, नहीं अपने बच्चे को भी लेके आ गई, वो आती जाती थी तो अभी ध्यान हुआ, देख रहे ना कि हाँ मार वार ना दे कहीं, मार मार ना दे कहीं, देख लेना ले आ। बस बस छोड़ दो बस। तो गाइस पापा ने दूध रख दिया है, तो क्यूट क्यूट से बच्चे दूध पी लेंगे कितने क्यूट लग रहे हैं आज ही देखा कौन है, अंजलि भी आ गई, वाओ कितने क्यूट है है ना, दो तीन है अंदर, एक बक्से के पीछे चले गए, कितनी छोटा है कितनी क्यूट लग रही है, इसकी माँ भी है अंदर है, सब है पूरी फैमिली, अपनी माँ की तरह लग रही है बिल्कुल, काली वाइट भूरी तीनों। चल अच्छा अपने घर में फैमिली आ गई पलने के लिए, चलो बढ़िया है। वो तो आती रहती थी, मैंने सोचा चूहा खाने आती है, मैंने इसको एक दिन बोला भगाओ मत, वो चूहा हुआ खाने आती है, तो ये तो बच्चा नहीं, रात में सोता हूँ तो घुटर 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 करता है, नजर पड़ी मैंने वो बिल्ली के बच्चे के घर में छोटा सा, बड़ी है। चलो घर में नई फैमिली आई, बाबा हमारा फैमिली बड़ा हो गया, अब छोटा सा फैमिली था,